इधर राज्य के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने न्यूज 11 भारत से खास बातचीत की, जिसमें लोकसभा चुनाव की दो चरणों की वोटिंग, लोहरदगा सीट से चमरालिंडा के निर्दलीय खड़ा होने के साथ गांडे उपचुनाव समेत कई मुद्दों पर बात हुई। उनसे बात की हमारे संवाददाता राकेश ने। चुनाव का शोर अब तेज हो चुका है। केंद्रीय नेताओं के आगमन ने इस शोर को अब और तेज कर दिया है। झारखंड की चुनावी तपिश कैसी है, हमारे साथ इस वक्त इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए राज्य सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी हैं, पार्टी में महासचिव भी हैं। ठाकुर जी, कैसी तपिश देख पा रहे हैं राजनीति के हिसाब से, लोकसभा चुनाव के हिसाब से, झारखंड की अगर हम बात करें? यहाँ जनता पूरी तरह से मन बनाकर बैठी हुई है, अपनी केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा गया, और जनता अपने मतों के का जो उनका अधिकार है जवाब देने के लिए बैठी हुई है, और हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ 14 की 14 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़े। एक अंडर करेंट है यहाँ के लोगों में, चाहे जितनी भी बातें कर ले भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये जो तमाम चीजें हुई हाल के दिनों में, तो लोगों में गुस्सा है और ये गुस्सा वोट के तौर पर तब्दील होगा, ये आप मान रहे हैं? साधन संसाधन में हम कमजोर हैं, साधन संसाधन में वो आगे दिख, प्रचार प्रसार, बड़े बड़े नेताओं का दौरा, ये सब, लेकिन ये कुछ भी काम आने वाला नहीं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।